जय गुरुदेव जय भीम कंची टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रूप लेके हाजिर अज दी चोणवी खबर। अपने आप नूं उच्ची जाति दे कहण वाले दरिंदियां वल्लों अज तों करीब 16-17 दिन पहला दलित समाज की मासूम बच्ची मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप कर उसका कतल कर दिता गया सी। इस मामले नूं लैके हुण पूरे देश भर विच मनीषा दे कातलां नूं फांसी देण दी मंग की जा रही है। देश अंदर लड़कियां दी सुरक्षा ना मात्र ही है, जेकर गल की जाए दलित लड़कियां दी ता अपने धौण विच उच्च जाति दा किला रखण वाले कुछ दरिंदे दलित लोकां नूं अज भी कीड़े मकौड़े समझदे ने। 14 सितंबर नूं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चांदपा थाना खेतर के एक पिंड च एक 19 साल दलित लड़की मनीषा वाल्मीकि नाल कथित तौर पर समूहिक बलात्कार होया सी। बलात्कार तो बाद आरोपियों ने इन्नी दरिंदगी दिखाई कि उन्होंने बच्ची की जीभ कट दिती अते उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दिती, जिस तों बाद समाज की इस लड़की की मंगलवार दिल्ली हस्पताल च मौत हो गई सी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की अपील सुने बगैर ही जबरदस्ती उसका संस्कार कर दिता। पीड़ित की मौत तो बाद देश के वख-वख हिस्सों विच विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार के नाल नाल वख-वख आगुआं नेतावां अते समाज के लोगों वालों आरोपियों नूं फांसी देण की मंग की जा रही है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना? ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो, कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए, मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका एक विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। बर्बरता से रेप होता है, बलात्कार होता है, और उसके बाद पीड़िता को मारने की कोशिशें होती हैं कई जगह बिना कार्रवाई के। वो खुद आत्महत्या कर लेती है, उसको घर उसके घर वालों को डराने धमकाने की कोशिश भी होती है। और इस मामले में भी उनके परिवार का कहना है कि उनको कहा गया उन्नाव जैसी हालत कर देंगे तुम्हारी, क्योंकि उन्नाव में जो गैंगरेप की पीड़िता थी उसको जिंदा जलाने का काम हुआ था सड़क पर। तो बजाय पुलिस पीड़ितों के साथ और पीड़िता के साथ खड़ी रहती, पुलिस ने इस खबर पर लीपा पोती करना, इस खबर को फेक न्यूज ठहराना ज्यादा जरूरी समझा। 14 सितंबर को हाथरस के अंदर हमारे समाज की एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उनकी जीभ काटी गई, उनकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, उस स्पाइनल इंजरी की वजह से उनके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया, और इनिशियली मुकदमा केवल अंडर सेक्शन 307 IPC दर्ज किया गया और एटिस्यूटीज एक्ट में दर्ज किया गया। ना तो उस बच्ची को सही इलाज मुहैया कराया गया, और जब वो बच्ची 9 दिन में होश में आई और समाज ने और परिवार ने सबने प्रेशर बनाया, तब जाके यूपी की पुलिस ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया और उसको अच्छा इलाज नहीं मिला। और अब से 2 दिन पहले उस बिटिया को एम्स लेके आए, और दुखद है जिस एम्स के अंदर पॉलिटिशियंस के लिए तुरंत बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ उस बच्ची को इलाज मुहैया कराने से मना कर दिया गया और सफदरजंग भेज दिया गया, और सफदरजंग में कल सुबह उसकी डेथ हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और साथ में ये भी मांग करते हैं उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। परिवार बेहद डरा हुआ है, उसके भाई ने और बेटे ने हमें बताया कि उनको लगातार थ्रेट्स मिल रही हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, और साथ में उनको ये भी डर है कि कहीं उनके साथ कोई बड़ी वारदात ना कर दी जाए, इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है? क्या इस देश में दलितों को गरीबों को कानून कुछ मिल सकता है?
या सिर्फ जो बड़े बड़े एमपीज हैं या इनकी पार्टी के एमपीज हैं उन लोगों के लिए सारी सुरक्षा है? क्या किसी बेटी के साथ अगर इतनी जघन्यता पूर्ण अपराध किया जा रहा है, उस परिवार को संतावना देने के बजाय उसको पीड़ित किया जा रहा है, और हम जैसे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के साथ अगर हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मारपीट की जा रही है, तो मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि और कमिश्नर और पुलिस से दरख्वास्त करता हूं कि इन तीनों डीसीपी एसीपी और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और इसकी कार्रवाई इस पूरे केस की कार्रवाई सीबीआई में हो, और ये मैसेज दे दिया जाए कि अगर किसी चुने हुए विधायक के साथ पुलिस इस तरीके का बर्ताव करती है जिन्हें वो जानती हैं, तो आम आदमी के साथ तो वो दिन रात क्या करती होगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर न्याय हो तो पूरा हो, उस पीड़ित बेटी के लिए हो, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो लोग जुड़े हुए उनके साथ न्याय हो। इस मामले विच आखिरकार सरकार भी हरकत विच आई है। इस मामले नु लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना गल कीती है। योगी ने ट्वीट करके जानकारी दिती है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना ते वार्ता कीती है अते कहा है कि दोषियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई कीती जावे। इस मामले की जांच लई उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाथरस विच कुड़ी नाल वापरी मंदभागी घटना के दोषी बिल्कुल नहीं बचणगे अते सिट आने वाले 7 दिनों च अपनी रिपोर्ट देवेगी। उन्हें कहा है कि तुरंत न्याय यकीनी करन लई इस शिकायत का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट विच चलेगा। बिना परिवार की मंजूरी दलित कुड़ी का अंतिम संस्कार करन दे मामले विच हाथरस पुलिस ने सफाई दिती है। अपने ट्वीट विच हाथरस पुलिस ने कहा है कि यह झूठी खबर फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा खेतर के अधीन मंदभागी घटना च मृतका की लाश का अंतिम संस्कार बिना परिवार वालियां दी मंजूरी दे पुलिस ने जबरन रात नूं करवा दिता। उन्हें इसका खंडन किया है। अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने? भाई किसने? किसने? नहीं नहीं ना, ये ना कैसे बता नहीं सर नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हो। हम यहाँ पे थे, ये नहीं पता है कि संस्कार कौन सा सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे थे भाई, हम लोग यहाँ पे थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि परिवार ने जलाया, आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग तो थे ना सर, तनुषी सर, आपने पहले गलती की फिर आप झूठ बोल रहे हो। किससे? जिले का झूठ बोल रहे हैं के सामने, कुछ भी पीड़ित परिवार के सामने। आप झूठ बोल रहे हो प्लीज सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर, किसके दस्तखत है, किसके किसी के सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्चे का? आने के बाद में किसके से भी वापस लेके आए थे? उनको आने दो कैमरा मैन। महिलाएं क्यों लेटी थी आपकी गाड़ी के आगे? क्यों लेटी थी, क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, हाँ। एम्बुलेंस के आगे लेटी थी और उनका चेहरा देखा। तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया सर? हमने अंतिम संस्कार करने दिया, 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए। वो पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार।